सो हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई चैनल मोहित राइडर। सो कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, बढ़िया रहना। सो वीडियो कर देना लाइक एंड चैनल को कर देना सब्सक्राइब। सो गाइज, आज यार मूड ख़राब हो गया। मतलब मूड इसलिए ख़राब हुआ कि भाई जब हम उठे तो भाई हमने देखा कि बाहर बारिश हो रही है और रोड भी देख सकते हैं पूरा घीला हुआ पड़ा है। बट फिलहाल फिर भी ना करते वेट कर रहे थे बारिश कब बंद हो। तो फाइनली 6:30 बजे के अराउंड बारिश बंद हुई। देन मैंने सारे भाइयों ग्रुप में बोला कि भाई निकल जाओ, जिसको आना है जो आ सकता है आ जाओ। सो फाइनली हम पहुंच चुके हैं अब धौलकुआ मेट्रो स्टेशन। एंड टाइम की बात की जाए तो टाइम हो चुका है 8:02 और यहाँ पे स्टार्टिंग है अपने लाइनअप की, जो कि है TVS रेस एडिशन, जो कि विक्रम भाई के सब्सक्राइबर है और मैं आपको उनसे मिलवाता हूँ। हेलो ब्रदर, कैसे हो? तो भाई आए फर्स्ट टाइम राइड पे। खैर आना तो काफ़ी राइडर्स को था बट गाइज नहीं आ पाए। रीज़न यही है कि बारिश हो गई। आज कम से कम ये लगा लो कि 20 बाइक का लाइनअप होने वाला था। और ये खड़ी हम निरुद्रा, यहाँ पे है नितेश भाई की थंडरबर्ड, और यहाँ पे नितेश भाई वगैरह इंटरकॉम कनेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे ड्यूक, यहाँ पे हमने यश भाई की बाइक। और क्या हाल है ब्रदर? बढ़िया, तुम बताओ? बढ़िया, एक नंबर। यहाँ पे अपने आदर्श भाई की ST125, यहाँ पे मुकेश भाई की एक्सपर्स। क्या हाल है आदर्श भाई? मतलब ये 20 बंदे आने तो और देख लो कितने रह गए। मैं कह रहा हूँ 20 बंदे आने तो और अब कितने रह गए, बारिश की वजह से हुआ है। आगे कौन मिलेगा? एक बंदा है। हाँ, और ये अपने सारे लाइनअप है आज का। और धौलकुआ मेट्रो स्टेशन पर हम खड़े हैं। सो हम निकलते हैं टुवर्ड्स G20 एम्बियंस मॉल। और भाई ये लगा लो कि भाई राइड तो मिस करनी ही नहीं थी मुझे। मैं तो भाई फुली एक्साइटेड था आज के लाइनअप के लिए, क्योंकि यार लाइनअप काफ़ी बड़ा होने वाला था, तो भाई एक्साइटमेंट ज़्यादा थी। खैर कोई बात नहीं। और मुझे घर से आपको पता ही है कि भाई मैं निकल जाता हूँ 5-6 बजे, तभी निकलना था मुझे 5:30 बजे के बाद। खैर कोई बात नहीं। बाकी गाइस आज अपने ग्रुप के काफ़ी मेम्बर्स नहीं है, जैसे ये अपने विक्रम भाई, साहिल भाई, रतन भाई और अज्जू भाई, प्रियांश भाई, मतलब काफ़ी सारे राइडर्स नहीं आ पाए। खैर अगली राइड पे श्योरली ज्वाइन करने वाले हैं। और ये खड़ी रुद्रा को मैं चमका के लाया था। खैर काफ़ी ज़्यादा गंदी हो चुकी है यार, मैं अभी तो फ़िलहाल कपड़ा बड़ा मार लिया था। तो हमारी जो आज की राइड थी वो थी फरीदाबाद की, बट हम उसको डिले करके अब गाइज निकलने वाले हैं टूवर्ड्स GFR रोड। वहाँ पे हम देखते हैं कि कौन से कैफ़े जाने वाले हैं। जहाँ तक अभी बातचीत चल रही थी पैराडाइज कैफ़े जाएंगे, बाकी लेट्स सी। सो मिलते हैं अब आपसे आगे। सो गाइज निकलते हैं अब, राइड को अपनी स्टार्ट करते हैं। चलो ब्रो। यार आज का मतलब दिन ना बहुत ही मतलब एक्साइटेड होने वाला था, मतलब आज की संडे राइड। खैर यार कोई बात नहीं, सारे भाई जल्दी ज्वाइन करेंगे नेक्स्ट राइड को। एंड मुझे उम्मीद थी कि यार 2-3 बंदे ही आएंगे, नितेश भाई, सैम भाई वगैरह, बट यार मैंने ये लगा लो कि 6-7 बंदों बुला लिया। मुकेश भाई भी आ गए, आदर्श भाई भी आ गए, एंड विक्रम भाई के न्यू सब्सक्राइबर। और यहाँ पे भाई आज यश भाई लाए हैं अपनी पैशन, जो कि भाई एग्जॉस्ट लगा रखा है, देख सकते हैं आप। और घर भी हम जल्दी पहुँच जाएंगे मेरे हिसाब से, तो ये लगा लो ना करते 10 बजे के अराउंड मैं घर शायद पहुँच जाऊँगा, 10 से 11 बजे तक। और अगर हम फरीदाबाद की साइड जाते तो भाई तब तो हम लेट ही हो जाते। और बताओ भाई लोगों, मौज चल रही है? नहीं चल रही, मौज चलती रहनी चाहिए। सो बोलना तो पड़ेगा टिल नाउ जर्नी जस्ट वाओ, ये तो मैं डायलॉग सीखा है, वो सीखा है दीप रंजन सचान भाई से, जिनको मैं अपना गाइस ये लगा लो मैं गुरु मानता हूँ, मैं टीचर मानता हूँ एक राइडिंग कम्युनिटी में एक राइडर होने के नाते। क्योंकि वो भैया ऐसे है कि भाई एक एक चीज़ को ना वो पूरे स्टोरी टेलिंग में समझाते हैं। और भाई आगे चल रहे हैं ऊँट, तो वही मैं आपको दिखाता हूँ। मतलब देख रहे हो गाइस, बारिश के मौसम में ऊँट भी मतलब आनंद ले रहे हैं रोड का। ये देखो ये गाड़ी बीच में आ गई यार, ये चेक करो गाइस। ओ भाई साहब, ऊँट देख रहे हो, सही लग रहे हैं बड़े। चलते हैं थोड़ा आगे, अभी तो फिलहाल यार हम चलेंगे एम्बियंस मॉल G20, देन वहाँ पे रुकेंगे, वहाँ पे मिलने वाले हैं शायद से सुमित भाई। कॉल तो आ रहा था भाई का बार बार ही, बाकी देखते हैं। और देन हम वहाँ से निकलेंगे अपनी राइड को कंटिन्यू करने के लिए। बाकी गाइस
जल्दी हम लॉन्ग राइड भी करने वाले हैं। आई होप सो नेक्स्ट मंथ के एंड में हम लॉन्ग राइड भी करेंगे, जिसमें कि हमारे ग्रुप के काफ़ी राइडर्स ज्वाइन करने वाले हैं, जाने वाले हैं। बहुत मज़ा आएगा और वो एक राइड जो है वो एक सरप्राइज राइड है, मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, बट नेक्स्ट मंथ आपको जाने से पहले ब्लॉग ज़रूर बना के दूंगा, जिससे कि मैं आपको बता दूंगा कि हम कहाँ जाने वाले हैं। और वो राइड बहुत ही ज़्यादा यार, ये लगा लो कि लंबी होने वाली है। टोटल अपडाउन की बात की जाए तो भाई मान के चलो 1400-1500 किलोमीटर, बाकी देखते हैं भगवान क्या चाहेंगे, कैसे राइड करवाएंगे, वो तो मालिक के ऊपर ही डिपेंड है। बाकी भाई भाई लोग तो सारे भगा रहे हैं, मैं सबसे नीचे चल रहा हूँ। सो फाइनली गाइज हम पैराडाइज कैफे ना जाके थ्रॉटल श्रॉटल कैफे आए हैं। सो लाइन अप ये देख सकते हैं लगा दिया, एंड बीच में यार मैं मोटो व्लॉग आपको इसलिए नहीं दिखा पाया क्योंकि यार बारिश काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो गई थी। मैं आपको अपने रेनकोट कवर की हालत दिखाता हूँ, ये चेक करो गाइज क्या मतलब मिट्टी मिट्टी लग गई, पूरा लोअर ओवर सब गंदा वंदा हो गया, एंड रुद्रा की तो हालत क्या ही बताऊँ, एकदम ख़राब हो गई है। सो फिलहाल अभी तो मोटो व्लॉग मैं नहीं कर पाया, तो अभी मैं आपको ऐसे ही नॉर्मली व्लॉग दिखा रहा हूँ। हमारे साथ बाइक भी ज्वाइन हुई थी, सुमित भाई के फ्रेंड्स वगैरह, ये सारा हमारा ही लाइनअप है जितना भी आप देख रहे हो, वो सामने भी जितना भी है, तो लगभग 10-15 बंदे हम टोटल हो गए हैं। सो खा ब्रेकफास्ट करेंगे, खाएंगे पियेंगे, ये खड़े अपने नितेश भाई, सैम भाई वगैरह, मुकेश भाई, ये सब खाएंगे पियेंगे धन निकल जाएंगे। तो भाई यहाँ पे गाड़ी वाड़ी चेक करो, यहाँ पे ना मॉडिफिकेशन होती है बाइक वगैरह की, यहाँ पे देख ये देखो गाइस RX 100 वगैरह सब देखने को मिल जाएगी आपको, और एक से एक कार्स वगैरह देखने को मिली, स्पोर्ट्स कार देखो, ऑडी की ये देखो। सो फाइनली गाइस चलते हैं अंदर। और यहाँ पे भाई मज़े चल रहे हैं, फुल भाई हो गए, ये चेक करो भाई छोटी सी बाइक, यहाँ पे बाइक देखो यार एक से एक है भाई, ये देखो हार्ले डेविडसन क्या लग रही है। फाइनली गाइस आ चुके हैं पराठे, चाय भी जस्ट आने वाली होगी, ये सारे अपने भाई लोग हैं भाई, ये खाली कर दो नितेश भाई, मौज चल रही है, नहीं चल रही मौज, क्यों चल रही है भाई, मौज चलती रहनी चाहिए टिल नाउ, चलने तक वाओ। फाइनली गाइस खाना पीना सब डन, अब चलते हैं घर की तरफ। यहाँ पे यश भाई यहाँ पे बाइक देखो यार कैसा ही लग रही है, सब चलते हैं घर की तरफ, एंड इसी वीडियो करते हैं यहीं पे एंड। ओ भाई एंड करने से पहले चेक करो भाई बजाज चेतक, वो भी येलो कलर है। बाकी करते हैं इस वीडियो को यहीं पे एंड, अगर आपको मेरा ब्लॉग, अगर आपको मेरी वीडियो थ्रॉटल शॉटल वाली अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करके जाना एंड कमेंट करके जाना आपको वीडियो में क्या अच्छा लगा क्या नहीं। मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।